मिनी सचिवालय ज्वाली में आज गुरुवार को अचानक आए भूकंप के चलते अफरा तफरी मच गई। अचानक आई आपदा के चलते कई लोग घायल हो गए, वहीं कईयों की मौत हो गई। चौकी मत यह वास्तविकता नहीं थी, बल्कि ज्वाली मंडल में प्रशासन की ओर से करवाई गई भूकंप से निपटने के लिए मॉक ड्रिल थी। इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, पुलिस, होमगार्ड के जवानों व अन्य सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर भूकंप की स्थिति में लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसकी रिहर्सल की गई। इस बारे में SDM ज्वाली अरुण शर्मा ने कहा कि भूकंप जैसी आपदा के लिए कांगड़ा सबसे संवेदनशील जोन है। अगर भूकंप जैसी आपदा आ जाए तो इससे कैसे निपटा जाएगा, इस बारे में आज ज्वाली में मॉक ड्रिल करवाकर देखा गया है कि हम भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए कितने सक्षम हैं। इस मॉक ड्रिल में जो कमियां पाई गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान सभी लोगों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा आपदा कभी भी आ सकती है, जिसके लिए सभी लोगों को हर समय तैयार रहना चाहिए। तो NDMA और SDMA के सहयोग से आज ये मॉक ड्रिल जो है आज की गई है। और ये बेसिकली इसलिए की गई है कि हमारे एरिया में जो इतना संवेदनशील है भूकंप के लिए, कि हमारी तैयारियां जो है वो किस लेवल पे हैं। तो आज ही हमने ये मॉक ड्रिल किए हैं ज्वाली में। हमारे को जो ज्वाली एरिया और साथ में जो सराउंडिंग एरिया दिया गया था, जो अफेक्टेड था, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका जो रिसोर्सेज थे वो सब यहाँ लेके आए हुए थे। और हमने आज मॉक ड्रिल यहाँ की है, कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है। और ये हमारा जो है हमारा लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो है वो चेक करने के लिए, इसमें जो भी खामियां हैं वो आज हमारे जो माननीय सी सचिव साहब हैं उनके साथ जो है हमारे माननीय DC साहब की मीटिंग है, तो वहाँ पे जो जितनी भी गैप्स हैं हमारे ये सब ऊपर बताए जाएंगे कि क्या क्या कमियाँ रही। और रियल टाइम में जब कभी ऐसा कोई दुर्घटना होगी तो उस वक्त जो हमारी तैयारियाँ हैं वो उनमें ये गैप ना रहें, उसके लिए आज ये मॉक ड्रिल की गई।